हेलो स्टूडेंट्स, आरजे स्टूडियो चरण में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर में सब ऑफिसर एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं संबंध में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे लिंक है, ये वेबसाइट है नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर की, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है। इस संबंध में आपको यहाँ पे जो नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर है, इसमें जो सब ऑफिसर एंट्रेंस एग्जाम की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस वीडियो में उस संबंध में जानकारी दी जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कैंडिडेट्स नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर के सब ऑफिसर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर में है। वी सर्व टू सेव, यहाँ का इसका लोगो है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रखे हैं प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। तो इसमें एडमिशन लिंक 444 ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन सब ऑफिसर कोर्स। तो इस समय जो वेबसाइट पे गवर्नमेंट जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए और जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं दोनों के लिए फॉर्म अवेलेबल हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन हो रहा है किस लिंक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो कैंडिडेट्स गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, प्राइवेट के रूप में जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए रूप में एडमिशन लेना चाहते हैं नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर में, तो इनके लिए लिंक है एडमिशन लिंक 444 ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन सब ऑफिसर कोर्स। इस लिंक पे क्लिक करना है, एडमिशन लिंक 444 ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन सब ऑफिसर कोर्स। तो यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे आएगा NFSC नागपुर .in सेज यू विल बी रिडायरेक्टेड टू अनदर वेबसाइट। तो दूसरी वेबसाइट पे यहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप ये प्रोस्पेक्टस ओपन कर सकते हैं। ये प्रोस्पेक्टस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नेशनल फायर सर्विस कॉलेज टकली फीडर रोड राजनगर नागपुर 44013। इंफॉर्मेशन ब्रोशर 244 ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर सब ऑफिसर कोर्स। इसमें देख सकते हैं कंटेंट्स है, पर्टिकुलर्स पेज नंबर अबाउट नेशनल फायर सर्विस कॉलेज 1 पे है, इंपॉर्टेंट इज 2 पे है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस 2 पे है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस 5 पे है, यूनिफॉर्म 6, डिसिप्लिन 6, मिसलिनियस प्रोविजन 7, कॉन्टेक्ट अस 8 पे। तो यहाँ पे मैं आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स और एलिजिबिलिटी कंडीशंस है इस संबंध में जानकारी दे रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नेशनल फायर सर्विस कॉलेज टकली फीडर रोड राजनगर नागपुर 44013 44 ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर सब ऑफिसर कोर्स। इसमें अबाउट नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, तो ये जो नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर पर का है यहाँ इसकी जानकारी है, ये वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, टाइटल डेट, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट फॉर ऑनलाइन अप्लीकेशन। ऑनलाइन अप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है रिसिप्ट की, ये 10 दिसंबर 2021 है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 19 दिसंबर 2021 को। कमेंसमेंट ऑफ 47th सब ऑफिसर कोर्स, जो 47th सब ऑफिसर कोर्स स्टार्ट हुआ है जनवरी 2022 से। एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आपको जो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है संबंध में जानकारी दे रहा हूँ। एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स थ्रू ऑनलाइन पोर्टल फॉर द 44th ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इन टू 47 एंड 48 सब ऑफिसर कोर्स टू बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 2022 एट नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर। तो यहाँ पे दो इसमें जो दोनों जो 47 और 48 जो सब ऑफिसर कोर्स हैं इनके लिए एक साथ अप्लीकेशन इन्वाइट की गई है, जो कि है 44 ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो 47 और 48 दोनों ये जो सब ऑफिसर कोर्स हैं ये 2022 में होंगे नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर में, और एनी ऑफ द रीजनल ट्रेनिंग सेंटर आइडेंटिफाइड बाय द कॉलेज। तो या तो ये जो कोर्सेज हैं ये नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर में होंगे, या फिर जो
कोई रीजनल ट्रेनिंग सेंटर इसके द्वारा जो आइडेंटिफाइड किया जाएगा कॉलेज की तरफ से। द ड्यूरेशन ऑफ द सब ऑफिसर कोर्स इज 33 वीक्स, आउट ऑफ विच 21 वीक्स विल बी कंडक्टेड एट द RTC एंड 12 वीक्स प्रैक्टिकल अटैचमेंट एट मेजर फायर सर्विसेज इन द कंट्री एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कॉलेज। तो यहाँ पे 33 वीक्स का टोटल कोर्स है और इसमें 21 वीक्स तो जो है ये RTC रीजनल ट्रेनिंग सेंटर पे होंगे और 12 वीक्स का प्रैक्टिकल अटैचमेंट होगा जो कि मेजर फायर सर्विसेज जो इन कंट्री के उसमें होगा। द एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज प्रपोज टू बी हेल्ड एट केंद्रीय विद्यालय VSN नागपुर। जो एंट्रेंस एग्जाम नहीं ये केंद्रीय विद्यालय VSN नागपुर में होगा। द डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड इंडिविजुअली टू एलिजिबल कैंडिडेट्स बाय ईमेल। द डायरेक्टर नेशनल फायर सर्विस कॉलेज रिजर्व द राइट टू चेंज द सेंटर एट एनी टाइम विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। ऑल द डिटेल्स सच एज एलिजिबिलिटी, एज, फीस, एग्जामिनेशन एटसेट्रा आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे एज की जानकारी है। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द एंसुइंग ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन शुड बी बिटवीन 18 एंड 25 ईयर्स एज ऑन 1/1/2022। 1 जनवरी 2022 को जो एज है ये 18 से 25 के बीच होनी चाहिए। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर्स फॉर SC/ST कैंडिडेट्स एंड 3 ईयर्स फॉर OBC कैंडिडेट्स। OBC कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोवाइड OBC कास्ट सर्टिफिकेट एंड सेल्फ डिक्लेरेशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। All reserved candidates will be required to produce relevant valid document as proof of caste for obtaining age relaxation as required by Government of India. The candidates availing age relaxation for SC/ST or OBC will be as per government rules. Second pay educational qualification, graduated from recognized university or 3 years diploma in any branch of engineering recognized by AICTE or Board of Technical Education. Candidates must be able to read, write and speak either in Hindi or English and should have passed the qualifying examination as on or before 31st October 2021. तो यहाँ पे जो educational qualification है इसमें graduation होनी चाहिए या फिर 3 years का diploma जो कि किसी भी engineering की branch का होना चाहिए, AICTE के द्वारा recognized होना चाहिए और जो कि Board of Technical Education जो Polytechnic होते हैं वहाँ से होना चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। कैंडिडेट्स को रीड, राइट या स्पीक तो पढ़ना लिखना या बोलना आना चाहिए या तो हिंदी में या इंग्लिश में। एंड शुड हैव पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज ऑन और बिफोर 31st अक्टूबर 2021। तो 31st अक्टूबर 2021 से पहले या 31st अक्टूबर 2021 तक ये क्वालिफिकेशन जो है ये कैंडिडेट्स के पास होनी चाहिए। इसके बाद है फिजिकल स्टैंडर्ड। फर्स्ट पे 4 मेल, हाइट मिनिमम 165 सेंटीमीटर, मेल के लिए जो मिनिमम हाइट है ये 165 सेंटीमीटर है, रिलैक्सेबल बाय 5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ गढ़वाल, आसमीज, गोरखा एंड मेंबर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स। तो जो गढ़वाल्स के हैं, आसमीज, ये गोरखा और मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इनके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेबल है हाइट में। चेस्ट जो है मिनिमम 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए अनएक्सपेंडेड एंड 86 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन, फुली एक्सपेंडेड विद मिनिमम ऑफ 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वेट जो है ये मिनिमम 50 किलोग्राम होना चाहिए। सेकंड पे है 4 फीमेल, फीमेल के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, हाइट मिनिमम 157 सेंटीमीटर, कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, रिलैक्सेबल बाय 2.5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ गढ़वाल्स, गढ़वाल्स के लिए 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेबल है। आसमीज, गोरखा एंड मेंबर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स। वेट जो है फीमेल के लिए मिनिमम 46 किलोग्राम होना चाहिए। 4 पे है मेडिकल स्टैंडर्ड, बोथ फॉर मेल एंड फीमेल, दोनों मेल और फीमेल के लिए। फर्स्ट पे विजुअल बेटर आई 6x6 विदाउट एड, एलिजिबल विजन 6x6 ओनली, वर्स आई 6x12। सेकेंड है कलर विजन, नो कलर ब्लाइंडनेस। थर्ड, द कैंडिडेट्स मस्ट नॉट हैव नॉक नी, फ्लैट फुट, स्क्वेंट आईज एंड स्टैमरिंग। दे मस्ट बी इन गुड मेंटल एंड बॉडी हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट। यहाँ पे नोट है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू नोट दैट दिस कोर्स कंसिस्ट ऑफ रिगोरस फिजिकल ट्रेनिंग इन्वॉल्विंग फिजिकल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन।
हैंस इन एडिशन टू द एबव मैंडेटरी फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड द कैंडिडेट्स विल रिक्वायर द जील एंड जस्ट टू टेक अप यूनिफॉर्म्ड डिसिप्लिनड प्रैक्टिकल फील्ड फायर ग्राउंड ऑपरेशन ट्रेनिंग ड्यूरिंग द कोर्स द डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स मे टेक नोट ऑफ दीज फैक्ट्स। तो यहाँ पे आपको जानकारी दे रखी है। इसके बाद जो रिजर्वेशन है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। कैटेगरी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स पर ईयर, जनरल की जो रिजर्वेशन है 50% है, नंबर ऑफ सीट्स पर ईयर 30 है, अदर बैकवर्ड के लिए रिजर्वेशन 27% है और नंबर ऑफ सीट्स पर ईयर 16 है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स 15% है, नंबर ऑफ सीट्स पर ईयर 9 है, शेड्यूल ट्राइब्स एसटी के लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स 7.5% है, नंबर ऑफ सीट्स पर ईयर 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट 10% है और नंबर ऑफ सीट्स पर ईयर 6 है। टोटल 66 यहाँ पे सीट है। तो इस वीडियो में आपको जानकारी दी गई है नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और 44th ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम सब ऑफिसर कोर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं इस संबंध में आपको बताया गया है। जो कैंडिडेट्स नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर के सब ऑफिसर एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, 19411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहे और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।